यार मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कुछ यूनिक बोल, कुछ यूनिक। कामयाब तो हर कोई होना चाहता है। मैं फेल होना चाहता हूँ। हाँ, अगर फेल होना है तो चंद चीजों को तुम्हें देखना होगा, देख लेना, फिर तुम सबसे बड़े फेलियर होगे। वो क्या? ठीक है, बड़ा नहीं सोचना अगर फेल होना है, और उसके लिए लोगों को डिस्कस करना है। जब भी फ्री टाइम मिले दोस्तों को पकड़ो, लोगों को डिस्कस करने लग जाओ। वो क्यों? जब आप लोगों को डिस्कस करोगे, आपके पास कामयाब होने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। यकीन मानो आप फेल हो जाओगे। आपने जो बनना है, यूनिक बनना है ना, फेल होना है तो लोगों को डिस्कस करो, खूब डिस्कस करो, और जब भी जहां पे भी टाइम मिले बैक बाइटिंग करनी शुरू कर जाओ। ये तुम्हें चीजें फेल कर देंगी। और जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा बड़ा सोचने लगे हो, तो उस बड़े सोचने को ना देखना, अपनी छोटी सोच को देखना, क्योंकि आपको फेल होना है, आपको कामयाब नहीं होना। बस 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 एक चीज और पता करनी है, सिर्फ एक चीज, ज्यादा नहीं, एक चीज। यार मेरे जो दोस्त है ना, मेरे बैक बाइटिंग बहुत करते हैं, यानी वो फेल हो गए सारे के सारे। हाँ ठीक है, एक मिनट तुम भी रुको। ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि वो तुम्हारी बैक बाइटिंग करते हैं? क्या तुम्हें अली ने बताया? तो फिर क्या तुम्हें साबिर ने बताया? तो भाई आपको पता कैसे लगा कि उसने आपकी बैक बाइटिंग की है? कभी भी अफर्मेशन मत करना। हाँ, याद रखो, अगर फेल होना है ना, तो इसी तरह लोगों की अनजान बातों पे यकीन करने लग जाओ। उसने तुम्हारी बैक बाइटिंग की, इसने तुम्हें ये बोला, फेल होने के लिए इतना ही काफी है कि लोग जो कह रहे हैं, जिस भीड़ में आपको लगा रहे हैं, आप चुपचाप बगैर क्वेश्चन के उस भीड़ में लग जाओ। फेल होने के लिए काफी है। यकीन करें, जब आप दूसरों की मानते हो ना अपने रहते हो, ना उनके बनते हो, सिर्फ सेंटर पॉइंट में फंस के रह जाते हो। तो हाँ, अगर फेल होना है तो दूसरों की बातों पे अंधा यकीन कर लिया करो कि वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बैक बाइटिंग कर रहा था, उसने ये बोला। भाई भाई भाई, सिर्फ एक और पॉइंट बता दे जो मुझे फेलियर बना देगा, जो मुझे फेल कर देगा, सिर्फ एक पॉइंट। भाई दूसरों को ना कभी भी अप्रिशिएट ना करना, दूसरों को कभी भी अपना नॉलेज ना देना, जो तुम जानते हो ना अपने पास रखना, किसी दूसरे को नहीं बताना। जब आप दूसरे को बताने लग जाओगे ना, तो आपका नॉलेज शेयर होने लगेगा, तो आपके पास न्यू नॉलेज नहीं आएगा। जब आपके पास नया नॉलेज ही नहीं आएगा, वो पुराना का पुराना आपके पास पड़ा रहेगा, तो उससे आप फेल हो जाओगे। दूसरे को अपना नॉलेज नहीं बताना, अपने पास रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है, अपने माइंड में रखना है, किसी को पता ना लग जाए, वो आगे ना निकल जाए। तो ये फेल होने के लिए ये भी काफी है। ठीक है, और पॉइंट चाहिए तुम्हें क्या? हाँ दू भाई एक और। हाँ आप दे मुझे एक पॉइंट और। एक, अच्छा तुम कहते हो तो सिर्फ एक पॉइंट तुम्हें और देता हूँ फेल होने के लिए। अगर फेल होना है ना, कभी भी किसी को थैंक यू नहीं बोलना, कभी भी शुक्रगुजारी नहीं करनी, ग्रेटिट्यूड नहीं करना। अगर आप अभी बंदों की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दोगे, तो याद रखना आप खुदा का भी शुक्रगुजार बन जाओगे। जब आप उनका बनोगे तो आप कामयाब हो जाओ। फेल होना है ना, तो आपने ये नहीं करना जिंदगी में। ये चीजें फेल होने के लिए काफी है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और जो मुझे मजीद फेलियर बना देगा। एक, मेरी इस वीडियो को शेयर ना करना अपने दोस्तों के साथ, अपने पास ही रखना। ठीक है, ये आपको मजीद फेल कर देगा।